हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो आर के सर्वल मोबाइल एडिशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम टेम्प करने वाले हैं ट्रैवल ज़ेरा को, और उसे टेम्प करने के मैं दो से तीन आइडिया आपको बता दूंगा बीच वीडियो में, तो आपको वो जानना हो तो लास्ट तक देख लेना। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना, और आप जाके मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको गाइस मैंने बहुत ही औसम प्लेलिस्ट बना के रखी है, टैन क्रूचर, फाइंड रिसोर्सेस और भी बहुत सारी। और आपको फ्री मेंबर चाहिए तो उसकी भी ट्रिक मैंने बता के रखी है गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और डोडो फैदर के बारे में भी मैंने वीडियो बना के रखा है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मैंने बहुत सारे औसम वीडियो बना के रखे हैं और प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, तो आप जाके प्लीज़ यार एक बार चेकआउट ज़रूर करना। और अगर कुछ भी पसंद आए, कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना। और इससे ज़्यादा एक यूट्यूबर को अपने व्यूवर से क्या चाहिए? कुछ भी नहीं गाइस, बस आप सपोर्ट बनाए रखना। क्योंकि गाइस आप 92% ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करे बिना देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, हम आ चुके हैं और हमें एक टाइटनोसोरस मिला है और एक ट्रैपेज़ेरा भी मिल चुका है। लेकिन इसे ढूंढने के लिए बेसिकली कोई ऐसी कोई जगह नहीं होती है जहाँ पे ये मिल जाए, तो इसे कोई स्पेशल जगह नहीं होती है, कहीं जगह मिल जाता है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये लेवल 10 का है और फीमेल है, तो इसका लेवल तो कम है बट हम लेवल अप कर लेंगे। तो फटाफट से इसे मार देते हैं और हम इसका स्टैक चुरा के इसे ले जाते हैं। और ये तो हो गया फर्स्ट, जो कि हम बेसिकली जनरल हम इसी को यूज़ करते हैं कि हम मार देते हैं और स्टेक ले जाके उसे फिर से ज़िंदा कर लेते हैं। बट और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिससे आप टैम्प कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका लेवल कम है तो आपको इसे मारने में भी काफ़ी तकलीफ़ होने वाली, क्योंकि ये भाग जाता है बहुत जल्दी। तो आप वीडियो को आगे देखते रहिए, फ़िलहाल हम ग्रीन ओपलिंग के पास चल देते हैं और इसे फटाक से ज़िंदा करते हैं वापस से। ओके, तो हम यहाँ आ चुके हैं और हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी बना ली है, जैसे कि हम एक ट्रैप बनाएंगे क्योंकि हम जिस इसे ज़िंदा करेंगे तो ये भाग ना जाए। तो ट्रैप कुछ अंदाज से बना रहा हूँ मैं, मेरे को कुछ ऐसा मेजरमेंट नहीं पता है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है ट्रैप जरा वैसे। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से बना सकते हैं, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ट्रैप बनाना। आई थिंक छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ओके, अभी कहाँ लग गया अभी? ओके, से छोटा हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लग रहा है क्योंकि हमारा स्टोरेज बॉक्स पड़ा है। और मैंने अब स्टोरेज बॉक्स इसलिए लगाया है क्योंकि जब भी मैं केव रन करके आता हूँ तो मैं यहाँ पे स्पॉन होता हूँ फिर से ओब्लिक के पास, और अपनी जो चीज़ें रहती है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, सुतीन बम और पॉइंट डस्ट, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि लूज़ हो जाती है अगर आप फिर से मरोगे तो वो चली जाती है, इसलिए मैं उनको यहाँ रख देता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ों को, क्योंकि शूटिंग बम और पॉइंट डस्ट ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपका कैजुअल सर्वर भी है तो भी वो आप मरोगे तो चली जाएगी, इसलिए ध्यान रखना। तो इसकी हाइट एक काफ़ी रहेगी शायद, या दो करूँ जो वॉल वाले पता नहीं, देखते। तो बात कर लेते हैं इसके दूसरे तरीके के बारे में, इसे टैम्प करने के। तो गाइस, आप चाहो तो इस पर वोला का भी यूज़ कर सकते हो, वोला से इसे डाउन कर दो और फिर उसके बाद में इसे या चाहो तो नॉक कर दो, या चाहो तो किल करके वह फिर से इसी तरीके से कर लो, या फिर आप चाहो तो आर्नो पे बैठ के जा सकते हो। तो आर्नो पे बैठ के जाके और उस पर वोला फेंक दो जिससे वो रुक जाएगा, और फिर उसे किल कर दो या फिर नॉक कर लो। तो ऐसे आप उसे इजीली कर सकते हैं टैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आप चाहो तो गाइस उसे बोले से रोक के और जब तक वो रुका है तब तक उसके चारों तरफ ऐसे ट्रैप बना दीजिए फटाफट से, तो भी आप उसे कर सकते हो टैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वुड डैमेज नहीं कर सकता है, तेज डैमेज कर सकता है, वुड नहीं कर सकता है, तो हम वुड का ट्रैप बना रहे हैं इसके लिए। और गाइस, आप में से अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो प्लीज़ यार जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था
कि 92% ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार इसको थोड़ा कम करो, 80 तक तो लाओ ना ज़्यादा। तो ये 80% ऐसे लोग रहेंगे जो नहीं सब्सक्राइब करके देख रहे तो भी चलेगा, तो इसे रिजरेक्ट कर लेते फटाफट से। और इस मैंने ओके, तो इसे रिजेक्ट होने देते हैं। और ये एनिमेशन बहुत ही शानदार रहता है। ये हो चुका है, ये बाहर निकल गया क्या बचा? ओके, तो ये इससे बाहर नहीं जा पा रहा है, इसके हिसाब से काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इतने में काम चल जाएगा। तो अब हम इसे कर देते हैं नॉक, बाहर नहीं जा पाएगा, चला जाएगा क्या? मुझे लग रहा है निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। अगर आपके पास गाइस रिवाइव प्लेटफॉर्म भी हो तो उससे भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ऑब्लिक तो है इसे ज़िंदा करने के लिए, रिजरेक्ट करने के लिए। कि भाई रुक जा, जरा रुक जा, बस एक दो और, इतने में बग गया, वापस बग गया, एक दो लगेगा, इतने में तो नॉक हो ही जाएगा। ये हो गया क्योंकि लेवल कम था, लेवल 10 था तो नॉक हो गया। तो अब हमारे पास गोट कंसोल है, तो हम इसका लेवल अप कर लेते फटाफट से। ओके, तो हमारे पास गोट कंसोल था, इसका फटाफट से लेवल हो चुका है, आई थिंक अराउंड 300 कर लेता हूँ। और अगर आप कर रहे हो इसका लेवल अप, तो एक बात हमेशा याद रखना कि इसका टर्पर रेबर हमेशा बनाए रखना, नहीं तो बहुत जल्दी है गाइस फिर से रिवाइव हो जाएगा। और आपको इसको अनकंसल करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा ताकि इसकी हेल्थ रिकवर हो चुके हो सके, और फिर आपको इसको नॉक करना पड़ेगा। तो इसका टॉर्पर रबर काफ़ी है भाई, 5,91,000 के लगभग है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हमारा हो चुका है लेवल 307 हो चुका है। और इसे अटेम्प करने के लिए एलोसोरस किम्बल सबसे अच्छा होता है। और ये क्या, लिटरली बस 2 सेकेंड में 300 लेवल का टेपोजेरा एलोसोरस किम्बल से सिर्फ 2 सेकंड में टेम हो सकता है विदाउट सूथिंग बम। अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये टेम हो चुका है, अब इसे फटाफट से बेस पे लेके चलते हैं। अभी ये इसे यहीं पे रोकना पड़ेगा, भाई रुक जाए, यहीं पे पीछे नहीं जाना है, अभी हमको फॉलो नहीं करना है। ओके, तो हमने इसे रोक दिया है और हम चलते हैं फटाफट से बेस पे, जहाँ पे कि मैंने पहले से इसकी सैडल बना के रखी है। तो चलते हैं, सैडल बनाते हैं इसको। ओके, तो हम बेस पे आ चुके हैं और हमारे पास सैडल है। अगर आप एक परशूट आता है, थिन एयर वाला परशूट आता है, उसे कंप्लीट करो तो आपको मिलते हैं गाइस ट्रेपोजेरा की सैडल और 10 पैराशूट मिलते हैं। तो अगर आपको वो परशूट कंप्लीट कर लिया तो आपको मिल गया होगा, और अगर आपने कंप्लीट नहीं करा है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा परशूट को कंप्लीट कैसे करना, बहुत ही ईजी है। तो आई थिंक इस पर टॉर्पर लेवल इसका अभी भी हाई है, इसलिए ऐसा मार्क आ रहा है, बट डोंट वरी, हो जाएगा वो तो, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। अच्छा, इस पर हम क्रॉस वो भी यूज़ कर सकते हैं, वेपन यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।